Okay, good morning everyone. So today we are here for session on how to host website, and I welcome our speaker, our alumni. Junaid has started his company in 2018 with his colleague. He is also our alumni, Manish Boop, and currently they are having 25 plus customers. They are mainly working in B2B and B2C companies. Junaid is currently working as a CTO and full stack developer in Coexist Technology in Nasik. Sir has a good hands-on experience in HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript, Ajax, jQuery, Node.js, and list is very huge. Apart from this, good knowledge in programming languages like Java, Python, PHP. He is working on a mobile technology like Android, database like MySQL, Firebase. Then good hands-on in a WordPress. He has worked on many of the frameworks like Laravel, Express.js, and many more. He is also working. His portfolio is like he is mainly working in a logistic and shipments CRM, reporting analytics tool like Zoho, grocery e-commerce app, CRM for agrochem, measurement tool for furnishing, live vehicle tracking app for MyLaws, and many more. So here I am. Welcome to Mr. Junaid sir for today's session. And now I hand over the mic to the Junaid. Welcome, Junaid. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. जैसा कि मैम ने बताया कि हम लोग आज वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पता भी होंगे, जैसे एक वर्डप्रेस हो गया जिसमें आप लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो. हेलो, जस्ट चेक करो, मैंने दिया है स्क्रीन शेयरिंग का, राइट? जस्ट चेक करो एक बार. अभी तक लिख सको नहीं. हां, बट मैंने दिया है, मेरे साइट से तो दिख रहा है दिया हुआ. यहाँ पे तो दिया है, डोंट नो. यस, स्क्रीन शेयरिंग राइट्स दिए है जुनैद, एक बार जस्ट चेक करो. वही चेक करो, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग. बस एक बार देख के देखती हूँ. अब चेक करो. यस मैम, अब आ रहा है. ओके, पीपीटी और विजिबल है सबको? यस, अभी कुछ कोडिंग वाला विंडो विजिबल है. अब पीपीटी शायद अवेलेबल है. नाउ इट्स विजिबल. तो वेब होस्टिंग दो टाइप की होती है, एक होती है फ्री और एक होती है पैसे. वर्डप्रेस है, देन विबली है,
उसका 000 वेब होस्ट है, इन्फिनिटी फ्री पेजेस है और गिटहब पेजेस है। तो इसमें आपको वर्डप्रेस विक्स और वीबली शायद पता होगा, जिसमें वर्डप्रेस में हम लोग ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और उसमें हम लोग ब्लॉग के साथ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट इसमें अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन करना है, जैसे अगर आपने कोई प्रोजेक्ट क्रिएट किया है कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसमें डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी कर रहे हो, तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती है वर्डप्रेस में, ना ही विक्स में और ना ही वीबली में। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आपको पेड होस्टिंग एक स्पेस परचेस करना पड़ता है, देन उसके बाद फिर आप उस पर उसको होस्ट करते हो। तो हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो इन्फिनिटी फ्री पर देखने वाले हैं। इन्फिनिटी फ्री एक होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है और पेड होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है दोनों के लिए। बट उनका जो मोटो है वो ये है कि वो 100% फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई यूजर उनसे होस्टिंग लेता है फ्री में, तो उसको फोर्स नहीं करते हैं कि आप हमसे अगर होस्टिंग फ्री ले रहे हो तो आप उसको पेड में कन्वर्ट करो। सो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनिटी फ्री में, ओके, इन्फिनिटी फ्री जो है उसकी वेबसाइट है infinity3.net। सो हम लोग इसका डेमो देखेंगे कि हम लोग होस्टिंग कैसे क्रिएट करते हैं, और सिंपली अगर आपने कोई वेबसाइट क्रिएट की हो सिंपल पेजेस की तो हम लोग उसको किस तरह होस्ट कर सकते हैं वो एक देखेंगे, और हम लोग उसमें टेम्पलेट यूज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया है फ्री होस्टिंग है, 99% उनका अप टाइम है, मीन्स साइट एटलीस्ट 99% अप टाइम रहेगी, और कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जो होता है मेंटेनेंस उसमें आपकी साइट डाउन जा सकती है, और उन्होंने कहा है कि हम लोग कम्प्लीटली फ्री है। सेकेंड जो है, अभी इसको जब हम लोग होस्टिंग क्रिएट करना है, अब होस्टिंग क्रिएट करने के लिए जैसे अगर हम लोग इसमें सबसे पहले आपको है ना साइन अप करना होगा या लॉग इन करना होगा, तो साइन अप थ्रू ईमेल करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्या करना है कि आपको स्टेप वन है होस्टिंग क्रिएट करने के लिए चूज अ डोमेन नेम। अब डोमेन नेम आपके दो टाइप के हो सकते हैं, एक होता है सब डोमेन नेम, एक होता है कस्टम डोमेन नेम। अब आपका जो कस्टम डोमेन नेम होता है, जैसे आपने कोई परचेस किया हुआ डोमेन, फॉर एग्जाम्पल snjp.org, ये आपने क्या किया है डोमेन परचेस किया हुआ है, ओके। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कस्टम डोमेन का wordpress.com, ठीक है, ये कस्टम डोमेन है। अगर आप ये डोमेन ओन करते हो तो यहाँ पर एक इमेज आपको विजिबल होगा ही चल रहा है ना। ओके, स्टेप में आप लोग क्या करते हैं कि डोमेन नेम हम लोग सिलेक्ट करेंगे, और फिर सेकंड स्टेप के लिए हम लोग क्या करेंगे सर्च करेंगे। अगर डोमेन नेम अवेलेबल होता है तो वो यहाँ पर सक्सेसफुल मैसेज देकर नेक्स्ट पर हम लोगों को फॉरवर्ड कर देगा। तो नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट है एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एंटर करना है। ओके, अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जैसे अकाउंट लेबल, आपको एक लेबल मिल जाएगा। अब ये जो लेबल होगा एक्चुअली आपका URL होगा, जैसे यहाँ पर मेरा URL दिखा रहा है वेबसाइट पर coexistech.infinity-app.com। तो मींस जुनेद, आप जो बोल रहे हो ना वो दिख नहीं रहा है इधर। अच्छा, देख नहीं रहा है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, ऐसा ऑप्शन चूज करो, मतलब स्क्रीन वाला ही, यानी अब जो भी स्क्रीन शिफ्ट करोगे ना तो वो सबको आ जाएगा। यस, नाउ इट्स विजिबल। स्टेप वन क्लियर है आप लोगों को, जिसमें डोमेन चूज करना है। सेकंड है एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टेप टू। स्टेप टू में हम लोगों को तीन फील्ड फिल करना होता है, तो उसमें अकाउंट लेबल है, अकाउंट यूजर नेम है, और अकाउंट पासवर्ड है। ये पासवर्ड आप जब भी लॉग इन करोगे तो ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। सो अभी यहाँ पर हम लोग अकाउंट लेबल हमको ऑलरेडी दे दिया जाता है क्योंकि हम लोग सब डोमेन यूज कर रहे हैं। अगर आप कस्टम डोमेन यूज करोगे तो आपको यहाँ पर आपका डोमेन का नेम आ जाता है। सेकेंड, यहाँ पर अकाउंट यूजर नेम जो है, यहाँ पर एक मैसेज है
जनरेटेड ऑटोमेटिकली, मीन्स अगर हम लोग सब डोमेन ले रहे तो जो यूजर नेम होगा वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और अगर कस्टम डोमेन रहेगा सो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप आपके जो आपको जो लगता है यूजर नेम आपको एंटर कर सकते हो, और पासवर्ड आपको एंटर करना है आपके अकॉर्डिंग, ओके। और लास्ट स्टेप है इसकी, आपको ऐसे स्क्रीन मिल जाता है जिसमें एक होता है व्यू क्लाइंट एरिया और ओपन कंट्रोल पैनल, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेप हम लोगों को जाना है infinity-free.net को, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से, ओके। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ infinity-free.net वेबसाइट पर, ये उनका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आप रजिस्टर नहीं हो तो आपको साइन अप करना होगा। फर्स्ट साइन अप सिंपल है, इनका ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछते हैं, और जस्ट वेरीफाई करना है हमको आई एम नॉट अ रोबोट। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक आती है ईमेल पर, वो आप एक बार वेरीफाई कर दिए सो मीन्स आप अकाउंट एक्सेस कर सकते हो। साइन अप प्रोसेस इतना ही है। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्लाइंट एरिया पे जाते हैं, तो टॉप पर है उन्होंने यहाँ पर दिया है लॉग इन के लिए क्लाइंट एरिया, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। सो मुझको यहाँ पर वो लॉग इन पूछेगा, तो जो आपने रजिस्टर करते टाइम क्रेडेंशियल्स यूज किए थे वही एंटर करना है। ओके, अभी यहाँ पर मुझको है ना एक पैनल आ गया है मेरा, जिसमें मेरे अकाउंट्स दिखा रहा है, मीन्स मैंने कौन से अकाउंट क्रिएट किया हूँ। तो अभी मैंने दो अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट किया हूँ, और मुझको पता है कि मैं मैक्सिमम थ्री अकाउंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। तो अभी हम लोग सबसे पहले जो पीपीटी में स्टेप दिया था वही फॉलो करेंगे। तो हमको अगर क्रिएट अकाउंट करना है तो क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे, ओके। यहाँ पर जैसे कस्टम डोमेन रहेगा तो एंटर करना है, नाम देता हूँ। अब यहाँ पर आपको डोमेन एक्सटेंशन के लिए ड्रॉपडाउन दिया हुआ है, तो आपको जो भी ड्रॉपडाउन फिजिबल लगे आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं infinity-free.com यूज कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद सर्च डोमेन करना है। सर्च डोमेन होने के बाद यहाँ पर दे दिया कि डोमेन अवेलेबल है junaidshaikh.infinity-free.com। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पासवर्ड दे दूंगा, ओके। और इसको आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट करता हूँ। तो मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मुझको दो ऑप्शन दिए हुए, एक व्यू इन क्लाइंट एरिया है और एक ओपन कंट्रोल पैनल है। आप एक यहाँ से जा सकते हो, तो राइट क्लिक करता हूँ मैं ओपन कंट्रोल पैनल। अब ये जो कंट्रोल पैनल होता है, सबसे पहले आपको इस तरह का एक मैसेज आएगा, ओके। तो आपको यहाँ पे अप्रूव करना है, ओके। अब अप्रूव होने के बाद ये एक पैनल लोड होता है, और ये पैनल है आपका सी पैनल। सी पैनल जैसे हम लोगों का माई कंप्यूटर होता है लोकल सिस्टम में, उसी तरीके से वेबसाइट जब हम लोग होस्ट करते हैं तो उसका एक पैनल होता है सी पैनल। तो सी पैनल में हम लोग क्या करते हैं, जिस तरह हम लोग माई कंप्यूटर में हम लोग फाइल एक्सेस करते हैं, फाइल एडिट करते हैं, सेव करते हैं, तो सेम यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पर यूज करते हैं, अपलोड करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ये सब प्रेफरेंसेस है, फाइल्स है तो, और डेटाबेस है। हाँ, अगर आपका कोई आपका प्रोजेक्ट अगर डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है तो infinity-free ने मीन्स फैसिलिटी दिया है कि आप लोग डेटाबेस कनेक्ट कर सकते हो आपके साथ। यही फैसिलिटी अगर आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में करना है तो काफ़ी लैगिंग आता है फ्री होस्टिंग में, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा दिया है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे जाते हैं, उसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करता हूँ, ओके। तो अभी ये विंडो ओपन होगी आपकी, यहाँ पर आपको एक htdocs फोल्डर दिख रहा है, डॉट एक एक्सेस htaccess फाइल है, ओवरराइड है और डू नॉट अपलोड फाइल हियर है, मीन्स आपका जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो ये यहाँ पर अपलोड नहीं करना है आपको। अदरवाइज जब भी आप डोमेन पे सर्च करोगे तो वो आपको दिखाई नहीं देगा। अब हम लोगों का जो प्रोजेक्ट होता है तो वो होता है htdocs access फाइल में,
HTDocs फाइल फोल्डर में होता है, मीन्स आप जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वो इसी फोल्डर में लोकेट होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर एक सिंपल फाइल क्रिएट करते हैं, उससे पहले हम लोग है ना इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये बराबर से क्रिएट हुआ या नहीं। infinity.com ओके, तो अब ये इस तरह का विंडो आ गया है, मीन्स मैंने जो वेबसाइट सेटअप किया हो, जो मेरा सब डोमेन है वो प्रॉपर सेटअप हो गया है। ये उनका डिफॉल्ट एक स्क्रीन आ रहा है जो ये है index.html। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल इनिशियली क्रिएट करता हूँ डेमो के लिए, फिर हम लोग इसमें है हम लोग फिर इसमें टेम्पलेट यूज करेंगे। डिफॉल्ट फॉर्मेट हम लोग यूज कर लेते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ। ओके, अब सेव होने के बाद इसको मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, शायद कुछ नहीं है। यहाँ पर फिलहाल दिखा नहीं रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। इनकेस ऐसा कुछ एरर आता है तो कुछ देर वेट करना है, क्योंकि वो बैकग्राउंड में उसकी प्रोसेस चलती है। ठीक है, ये फिलहाल ही दिखा नहीं रहा है तो मैं आपको एक दूसरे अकाउंट से दिखाता हूँ। आई होप कि आपको ये समझ में होगा कि अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक क्रिएट जो किया था उस पर दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैनेज जैसे करना है तो मैनेज पे क्लिक करूँगे तो ये आपको एक कंट्रोल पैनल पूछेंगे और फाइल मैनेजर पूछेंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ अकाउंट डिटेल्स दी हुई है, ये डिटेल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब आप कोई डेटाबेस यूज करने वाले हो। तो जैसे अगर आपका प्रोजेक्ट में डेटाबेस का सेक्शन है तो MySQL डिटेल्स है, तो आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी उसमें आपको ये डिटेल्स फिलअप करना होता है। तो आपका आपका जो भी डेटाबेस रहेगा प्रोजेक्ट में वो इस डोमेन से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, और सेकेंड जो है एक FTP डिटेल्स होती है। FTP डिटेल्स आप कब यूज़ करते हो, अगर आपको है क्लाइंट के थ्रू अगर डेटा सेंड करना हो तो ये जो डिटेल्स अगर आपको यूज़ करना है तो इसके लिए एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, उसका नेम है फाइलजिला क्लाइंट। ये फाइलजिला क्लाइंट से भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको जो फाइल मैनेजर है आपका आपका ये जो फाइल मैनेजर रहेगा आपको डायरेक्ट HTAccess का एक्सेस मिल जाएगा, HTDocs का एक्सेस मिल जाएगा और आप वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक कनेक्ट किया था तो मैं एक कनेक्ट करके बताता हूँ आपको। एक्टिविटी डिटेल में सबसे पहले मुझको यूजर नेम कॉपी करना है, ये यूजर नेम, और यहाँ पर पेस्ट करना है होस्ट में। ओके, सॉरी होस्ट में ftp.upload.net यूज करना है। देन सेकंड यूजर नेम यूज करना है जो यहाँ पर दिया है। ओके, थर्ड है मेरा पासवर्ड जो ऑटो जनरेट हुआ है, और पोर्ट जो है ब्लैंक रखना है कि बाय डिफॉल्ट वो 21 पोर्ट ही ले लेता है, और इसको क्विक कनेक्ट करना है।
अब जैसे मैंने क्विक कनेक्ट किया तो ये मैं मुझे अभी ये एक्सेस मिल गया है htdocs का। यहाँ पर मुझको ये एक्सेस मिला है, यहाँ पर मैं भी लोकेट कर रहा हूँ इस एक्सेस से, इस प्रोजेक्ट से, सॉफ्टवेयर से। अब इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझको सेम डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो यहाँ पर है, ओके, वो मुझको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब इसमें मैंने ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट जो टेम्पलेट है अपलोड कर दिया था, तो अभी मैं आपको इसका एक डेमो दिखाता हूँ कि हम लोग है ना टेम्पलेट, अगर हम लोग के पास कोई टेम्पलेट है, जैसे मुझे अगर मेरा पर्सनल ब्लॉग क्रिएट करना है तो मैं किस तरह से क्रिएट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक टेम्पलेट डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सर्च करते हैं फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पलेट्स डाउनलोड। जुनेद, अभी खुद का वेबसाइट जो है विद टेम्पलेट एंड थीम कैसे बनाना है वो अभी आप बता रहे हो क्या? वही बता रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। जब भी आपको आपका मिनी प्रोजेक्ट बनाना है तो कुछ रेडीमेड थीम्स एंड टेम्पलेट्स होते हैं जो ऑलरेडी दिए हैं, तो हाउ टू यूज दैट थीम्स एंड टेम्पलेट्स इन योर मिनी प्रोजेक्ट, तो ये स्टेप्स इम्पोर्टेंट है। ये स्टेप्स आप लोग नोटबुक और पेन लेके स्टेप बाय स्टेप लिख लो। और जुनेद, जस्ट एक स्टूडेंट का मैसेज था कि हम थोड़ा स्लो जा सकते हैं क्या, तो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो खाली थोड़ा स्लो जाएंगे हम। यस ओके, तो इसमें सबसे पहले मैंने सर्च किया हूँ फ्री बूटस्ट्रैप टेम्पलेट डाउनलोड, तो मुझे काफी सारे लिंक्स अवेलेबल है। तो आप इसमें हम लोग जो ले रहे हैं वो है startbootstrap.com। इसको मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मुझको टेम्पलेट्स और थीम मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पर काफी सारी थीम अवेलेबल है, तो एज यूजुअल आपको जो थीम चाहिए आप ले सकते हो। जैसे कि ये ब्लॉग के लिए फ्रीलांसर का, अगर आप कोई एजेंसी के लिए वेबसाइट क्रिएट करने वाले हो तो आप ये टेम्पलेट यूज कर सकते हो। ये HTML फ्री टेम्पलेट है, जैसे कोई क्रिएटिव वेबसाइट क्रिएट करना है वो है। अब यहाँ पर ये जो है एडमिन पैनल होता है, ये एडमिन पैनल जब आप कोई कस्टमाइजेशन सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हो तो तब ये इसका यूज होता है। तो हम लोग है ये यूज करते हैं एजेंसी का, तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको फ्री डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पर ये मेरी जो है टेम्पलेट डाउनलोड हो गई है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ, सॉरी आपको इजी हो जाएंगे समझने के लिए। जैसे कि वेबसाइट है जिसमें सिंगल पेज वेबसाइट है, जिसमें मेनू है, यहाँ पर आपका एक हेडर है यहाँ पर, ओके, काफी सारी इमेजेस और इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ये टेम्पलेट को हम लोग अपलोड करते हैं इस फाइल मैनेजर में जो हम लोगों ने यूज किया। ठीक है, अब ये वेबसाइट मेरी ब्लैंक हो गई है, मीन्स coexisted.infinity.com। ओके, अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन है, एक यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो, अपलोड फाइल फोल्डर और zip, और आप यहाँ से कर सकते हो। हेलो जुनेद, जुनेद वन सेकेंड अगेन, सिर्फ इन्फिनिटी के इसमें एक बार वापस बताओ ना कि जैसे इन्फिनिटी के ये htdoc फोल्डर कहाँ पे मिलेगा उनको, स्टूडेंट्स को, और कैसे अपलोड करेंगे, तो ये स्टेप एक बार अपन खाली बता देते हैं वापस। सबसे पहले क्या होगा, जब लॉग इन करेंगे हम लोग, अकाउंट एक बार क्रिएट होने के बाद आपको मैनेज जो है होम पे क्लिक करना है। ओके, होम पे क्लिक करोगे आप मेनू पर तो आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट्स आ जाएंगे, जो भी अकाउंट है, जैसे यहाँ पर अब मेरे 3 अकाउंट्स है। ओके, सो मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करूंगा। अब जैसे मैं मैनेज पे क्लिक करता हूँ तो मुझको एक विंडो ओपन होगी जिसमें मुझको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक है कंट्रोल पैनल है, एक है फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं htdocs पर जा पाऊंगा, और कंट्रोल पैनल पे क्लिक करता हूँ, मैं ओपन करता हूँ कंट्रोल पैनल, तो आपको ये विंडो ओपन होगी।
इस तरह की विंडो ओपन होंगी। आप इस ये विंडो में आप यहाँ से भी फाइल मैनेजर को जा सकते हो, जहाँ पर आप डेटाबेस के मैनेज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है यहाँ पर, तो आप वो कर सकते हो। तो और सेकेंड है फाइल मैनेजर, मीन्स ये डायरेक्टली हमको क्या करेगा, एच टी एक्सेस पर ही पॉइंट कर देगा, एच टी डॉक्स पे पॉइंट कर देगा। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा है, ये मेरा एक्चुअली ये डोमेन को लोकेट कर रहा है, इस पॉइंट को। मीन्स मैं यहाँ पर जब भी ये हिट करूँगा URL, तो वो यहाँ पर हिट होगा, एच टी डॉक्स को हिट होगा। तो बाई डिफॉल्ट अभी जैसे इंडेक्स डॉट इंडेक्स टू एच टी एम एल यहाँ पर मुझको दिखा रहा है। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब हम लोग जो डाउनलोड किए टेम्पलेट, ठीक है, ये टेम्पलेट को हम लोग अभी अपलोड करेंगे। तो अब यहाँ पे अपलोड के दो वे है, मीन्स एक आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, और सेकेंड है फाइल जिला से। तो हम लोग फाइल जिला से फिलहाल अपलोड नहीं करेंगे, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो मैं यहाँ से वन बाय वन फोल्डर अपलोड करता हूँ। हम लोगों को फोल्डर जो है एच टी डॉक्स पे ही अपलोड करना है। हाँ, अगर आपको कोई सब फोल्डर है उसमें अगर आपको क्रिएट करना है, तो आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हो और देन उसमें अपलोड कर सकते हो, वो एक ऑप्शन है। तो हम लोग एच टी डॉक्स पर ही अपलोड करेंगे। तो मैं फोल्डर अपलोड फोल्डर पे क्लिक किया हूँ, यहाँ पर मैं टेम्पलेट में जाता हूँ। सबसे पहले मैं असेट्स लेता हूँ, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये सेक्शन कैसे यूज किया हुआ है। यहाँ पर जैसे अपलोड पे क्लिक करूँ, यहाँ पर एक मैसेज आएगा, टोटल 22 फाइल्स है, तो अभी अपलोड हो रही है। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट या वेबसाइट क्रिएट करते हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि इमेजेस की जो फाइल है वो अलग होनी चाहिए, उसके बाद फिर स्क्रिप्ट और CSS फाइल अलग होना चाहिए। इससे हम लोग जब प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं तो वो इजी जाता है। अब मैं सेकेंड फोल्डर अपलोड करता हूँ CSS का, ये अपलोड हो गया है। और थर्ड फोल्डर है मेरा JS, JavaScript फाइल जो यहाँ पर बूटस्ट्रैप भी लगेंगी। अभी यहाँ पर अगर हम लोग ये ओपन करते हैं असेट को, तो यहाँ पर एक फेवी आइकॉन है जो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा एक इन्फिनिटी का लोगो है, तो ये फेवी आइकॉन उसके लिए यूज हुआ है। ओके, मैं अगर IMC डायरेक्टरी पे क्लिक करूंगा तो काफी सारे और डायरेक्टरी और इमेजेस है, तो ये इमेजेस टेम्पलेट में यूज हुई है। और सेकेंड फोल्डर है हमारा CSS का, जिसमें हम लोगों का स्टाइल शीट है। अगर हम लोग एडिट करते हैं, यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। अगर आपको कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है तो आप यहाँ पर मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। सेकेंड है JS फाइल, JS में अगर कुछ स्क्रिप्ट आपको लिखना है तो आप ये फाइल में भी लिख सकते हो, और या आप कोई कस्टम फाइल क्रिएट करके उसको यहाँ पर लिंक कर सकते हो। अब यहाँ पर मैंने तीनों फोल्डर अपलोड कर लिया हो, लेकिन अगर मैं यहाँ पर उसको रन करता हूँ तो फिलहाल वो कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने फाइल जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल वो अपलोड नहीं किया। तो मैं अपलोड अ फाइल करता हूँ और इंडेक्स अपलोड करता हूँ। अब मेरा जो टेम्पलेट यहाँ पर मैंने सेटअप कर लिया हो बेसिक, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब देखिए तो ये जो टेम्पलेट हम लोगों ने यहाँ पे चेक किए थे, ये जो मैंने लोकल में लिया था, सेम वही टेम्पलेट मेरा अपलोड हो गया है। अब ये टेम्पलेट अपलोड होने के बाद अभी आपको जो मॉडिफिकेशंस करनी है, जैसा जो कंटेंट आपको रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। अभी मैं इसको एक एडिट करके दिखाता हूँ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पर, ये आप यहाँ पर भी एडिट कर सकते हो, या आप उसको लोकली एडिट करके रन करके आप उसको यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो मैं इसको आपको लोकली एडिट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर अगर लोकली एडिट करना है तो मैं यहाँ पर सबलाइम एडिटर यूज कर रहा हूँ। जैसा अगर मुझे यहाँ पर एक नेम में चेंज करता हूँ टाइटल, अब यहाँ पर अगर आपको कुछ मेनू में चेंज करना है, अभी यहाँ पर जो है ये मैं आपको एक दूसरे वैसे एक्सप्लेन करता हूँ। मैं सिर्फ अभी टाइटल चेंज किया हूँ,
और कुछ कंटेंट चेंज कर देता हूँ। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी मैंने ये जो चेंज किया वो मैंने लोकल सिस्टम पे चेंज किया, तो मैं इसको टेस्ट भी लोकल सिस्टम पे ही करना होगा, तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ से। अब जैसे मैंने जो जो चेंज किया था, सबसे पहले मैंने चेंज किया था टाइटल, तो टाइटल रिफ्लेक्ट हो गया है मेरा, वेलकम टू कोएग्जिस्टिंग। सेकेंड मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट को चेंज किया हो, ठीक है, अभी यहाँ पर एज इट इज रखा हो। सर्विसेज में मैंने यहाँ पर जैसा ई कॉमर्स है, ये सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिव डिजाइन, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपल कुछ टेक्स्ट एडिट किया, ये मेरा प्रॉपर वर्क हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, मैंने कॉपी कर लिया हूँ, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। जिसे पेस्ट किया यहाँ पर सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे चेंजेस वो रिफ्लेक्ट हो गए। ये एक वे है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप एडिट करके चेंज कर सकते हो, ये आपकी यूजेबिलिटी पे है कि आपको कौन सा इसी डेवलपमेंट में जाने वाला है। ओके, अभी यहाँ पे अगर आपको कुछ, जैसे अगर आपको किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है या फॉन्ट साइज चेंज करनी है, तो क्रोम में एक ऑप्शन होता है डेवलपर ऑप्शन, तो हम लोग इंस्पेक्ट करना होता है। ओके, अभी इंस्पेक्ट करने से आप क्या कर सकते हो कि जो टेम्पलेट आप यूज कर रहे हो, क्योंकि अब न्यू टेम्पलेट है तो आपको थरोली नॉलेज नहीं रहेगा कि सीएसएस में कौन सा एलिमेंट प्रॉपर प्लेस किया हुआ है, क्लासेस यूज की होती है। लेकिन अगर आपको कुछ चेंज करना है, जैसे अगर मुझको ये व्हाइट टेक्स्ट की जगह मुझे कुछ और टेक्स्ट कलर यूज करना है, तो वो कैसे कर सकते हो, तो ये राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पर एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये विंडो ओपन हो जाती है। ओके, इसमें काफी सारे टाइप्स है, एक एलिमेंट्स है, एक कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है और परफॉर्मेंस है। ठीक है, एलिमेंट्स के लिए आप क्या, अगर हम लोग जो HTML, जैसे अगर मैं जिस पे भी क्लिक करूंगा, ये शो कर रहा हूँ जैसा बॉडी, तो पूरा बॉडी को हाईलाइट कर रहा है। अगर नैव पे क्लिक, नैव टैग पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेनू को हाईलाइट कर रहा है। अगर हीडर पे कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि हीडर पे, तो ये आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, ये आपको यूजफुल होता है अगर आपको टेम्पलेट में कुछ चेंजेस करने हैं और रिफ्लेक्ट चेक करना है, टेस्ट करना है कि अगर ये करने से क्या होने वाला है। ये आपके लाइव सर्वर पे होते हैं, लेकिन ये सेव नहीं होते, ये सिर्फ इन ब्राउजर पे होते हैं। आप ये चेंजेस आपको अगेन आपके कोड में करना होता है। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन होता है, ये है सिलेक्ट एलिमेंट का। ओके, ये इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं कोई भी एलिमेंट सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे अभी अगर मुझको ये आइकॉन चेंज करना है, चेक करने के लिए कि ये जो आइकॉन है आपके, अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो कैसा लगेगा। यहाँ पे अगर मुझे नेम चेंज करना है, अभी मैंने जो है ना ई कॉमर्स को सिलेक्ट किया हो, ओके, तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में है ना उसका H4 टैग आ गया है। ओके, एक क्लास है My3 और ई कॉमर्स है, तो मैं अगर इसको एडिट करता हूँ डबल क्लिक करके, और यहाँ पे जैसे अगर दे दिया मैंने, और एंटर करता हूँ, सो ये क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पर ही रिफ्लेक्ट हो गया है, लेकिन ये सेव नहीं हुआ, ये सिर्फ अगर आप रिफ्रेश कर दोगे तो ये डेटा फ्लश हो जाएगा, ये सिर्फ इन ब्राउजर रहता है, ये आपका सेव नहीं होता है। अगर आपको जैसे, अगर अभी मुझको यहाँ पे चेंज क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है, जैसे My3 का, तो बॉटम का जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये आपकी CSS फाइल को पॉइंट कर रहा है, मीन्स style.css में इसके लिए ये टैग लिखा हुआ है। जैसा अभी My-3 ये क्लास है, तो ये क्लास के लिए एट्रीब्यूट्स टाइप किए हुए, तो मैं यहाँ पर एक एंटर करता हूँ, कलर लेता हूँ और कलर को मैं हैश कोड दे देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट में जूम एंड हो जाएगा, तो सबको रीकनेक्ट करना है जूम को, अगेन यू हैव टू रीकनेक्ट। सो यहाँ पे जैसे मैंने एक पिंक कलर हो गया है, इसको एंटर करता हूँ, तो एक कलर चेंज हो गया है। तो आप ये एक टेस्टिंग कर सकते हो आप इन ब्राउजर, अगर आप ये एक आपको बेनिफिट होता है, जो आपको कोई चेंज ऐसा करना है जो आपको टेस्टिंग के लिए देखना है, तो ये एक आप चेक कर सकते हो।
ये एलिमेंट सब काम होता है HTML और CSS के लिए। सेकेंड टैब जो होता है आपका वो होता है आपका कंसोल, मीन्स जो भी स्क्रिप्ट आपकी जावा स्क्रिप्ट है या इसमें वेबसाइट पर रन होगी तो उसका जो आउटपुट है, जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर कुछ एरर हो तो यहाँ पर विजिबल होगा। अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। और सोर्सेस होते हैं, जैसा उसका एक डायरेक्ट स्ट्रक्चर बताता है कि ये जो पेज हमने लोड किया है इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर कैसे, जैसे असेट में IMG है और ये इमेजेस है, CSS में ये फाइल है, ये एडिट करता हो तो ऐसा आप एडिट कर सकते हो। लेकिन ये एडिट आपका एक्चुअल एडिट नहीं रहेगा, ये सिर्फ इन ब्राउजर तक ही रहेगा। यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज कर दूँ तो ये सेव नहीं होगा, इसी ब्राउजर में सेव होगा। ओके script.js, इसको मैं अगेन रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो इस वे में हम लोग वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, टेम्पलेट को यूज कर सकते हैं।